सुप्रभात बच्चों, आज हम लेसन 18 पाठ 18 मधुबिंदवा शहद की बूंदें पाठ पढ़ेंगे। आचार परमो धर्म, आचार परम धर्म है, सदाचार सबसे बड़ा धर्म है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा है वो ज्ञान प्राप्त करता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान हर जगह पूजा जाता है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग माने सत्संगति से दोष और गुण होते हैं। क्षण त्यागे कुतो विद्या, समय बर्बाद करने से विद्या कहाँ। अल्प विद्या भयंकरी, कम विद्या पढ़ा हुआ आदमी भयंकर होता, दुख माने बहुत कष्टकर होता है। लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। अविवेक परमा पदम पदम, अविवेक बहुत बड़ी आपत्तियों का घर है। छिद्रेश अनर्था बहुली भवंती, छिद्रेशु बुराइयों में बहुत अनर्थ होते हैं, अनर्थ बहुली बहुत ज़्यादा होते हैं। यथा क्रियते तथा भुज्यते, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। इनका सबका हिंदी में आशय दिया हुआ है, आप इनसे भी इनको देख सकते हो। अतकचेरी विद्या खतरनाक है। शब्द संग्रह में आ जाइए, महत्वपूर्ण शब्दों को मैंने टिक कर रखा है, इन्हें आप कापी में अर्थ सहित उतार लीजिए और याद भी करिए। अब आ जाइए अभ्यास में, अभ्यास में संस्कृत में उत्तर दें। परमापदाम पदम किम, यानी अविवेक परमापदाम पदम। कह लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सर्वत्र कह पूज्यते, विद्वान कह के जगह विद्वान, सर्वत्र पूज्यते। पापस्य किम कारणम, लोभः पापस्य कारणम। अनर्था कुत्र बहुली भवन्ति, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। आशय लिखे, लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। क्षण त्यागे कुतो विद्या, समय बर्बाद करने वाले को विद्या कहाँ। अल्प विद्या भयंकरी, अतकचरा ज्ञान खतरनाक होता है। अविवेक परमा पदम पदम, विवेकहीनता सभी आपत्तियों का घर है। अर्थ लिखा है आगे वीडियो में जो भेजा है अलग से, उसमें इससे अर्थ भी लिखे हैं। इनकी वाक्य रचना भी वहाँ की गई है और शब्दों की विभक्तियाँ भी करके दिखाई गई हैं। मैच करिए, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, आचार परमो धर्म, यथा क्रियते तथा भुज्यते, अल्प विद्या भयंकरी, क्षण त्यागे कुतो विद्या। संस्कृत में अनुवाद करें, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, निष्ठावान ही ज्ञान प्राप्त करता है। निष्ठावान लभते ज्ञानम, ये सब आपके पाठ में है। संतोष ही परम धन है, संतोषम परमम धनम। थोड़ी विद्या खतरनाक है, अल्प विद्या भयंकरी। हमारा आचरण भद्र होना चाहिए, अस्माकम आचारः भद्रम भवे भवेत। समय अमूल्य है, समय अमूल्य अस्ति। देखिए इसका हिंदी रूपांतरण आपको आगे वीडियो में देख दिया गया है। और 1, 2, 6 और 7 कुछ प्रश्न जो हैं अपनी पुस्तक से में सवाल हैं आपकी, उनको साफ साफ लिखिए और याद करिए। अब अर्थ लिखिए, संसर्गजा संगति से पदम घर, छिद्रेश त्रुटियों में, श्रद्धावान श्रद्धा से युक्त, सर्वत्र सब जगह। और प्रश्न नंबर 4 देखिए, वाक्य रचना, कुतः विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थियों कहाँ सुख है। सर्वत्र विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कारणम लोभ पापस्य कारणम, लभते आचारा लभते आयुः, सदाचार से आयु मिलती है। भुज्यते यथा क्रियते तथा भुज्यते, शब्दों की विभक्तियाँ देखी लिखी हैं। पापस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्रद्धावान प्रथमा विभक्ति एक वचन, सुखानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, दोष गुणाः प्रथमा बहुवचन, और छिद्रेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, छिद्रेशु कालकेशु। थैंक यू।